इस तरह ओल की सब्जी बनाएंगे तो सभी चिकन और फिश खाना भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ओल की सब्जी और ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। आप इसे चावल के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ओल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम ओल लिया है। ओल को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसे जमीकंद या सूरन भी कहते हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ओल को मैंने क्यूब के साइज में कट करके इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। सब्जी बनाने के लिए हम मसाला बना लेंगे। ग्राइंडर जार में 12 से 15 लहसुन की कलियां डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों या राई का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नहीं तो सब्जी में सरसों से कड़वापन आ सकता है। मसालों को दरदरा ग्राइंड करने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। जार का ढक्कन लगाकर मसालों को हम पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने लहसुन अदरक और सरसों को दरदरा पीस लिया है। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप अपने पसंद का कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें कटा हुआ ओल डालेंगे और तेल में फ्राई कर लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। सभी ओल को 2 बैच में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने ओल को डाल करके हम इसे तेल में इस तरह फैला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ओल को सैलो फ्राई कर लेंगे। ओल को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है, हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। इस तरह क्यूब में कट कर ओल की सब्जी बनाएंगे तो सभी देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ओल की सब्जी है या पनीर की। ओल को आप उबाल कर या बॉईल करके भी बना सकते हैं। ओल को इस तरह चलाते हुए पलट कर हम इसे सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ओल हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए ओल को भी हम तेल में डालकर सेम तरीका से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी ओल का फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी ओल को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसका सब्जी बनाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मसाले ऐड करेंगे। सब्जी बनाने के लिए बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप इसमें सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 तेज पत्ता तोड़ कर डालेंगे। मीडियम साइज के 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और अब मसालों के साथ प्याज को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए या प्याज का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे भून लेंगे। प्याज हमारे भुन गए हैं। इस टाइम पे हम इसमें अदरक, लहसुन और सरसों का बनाया हुआ पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है और अब हम इसे भी प्याज के साथ मिलाते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से जल्दी गल जाए, इसलिए हम इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे।
नमक डालकर टमाटर में अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए टमाटर भुन गया है और टमाटर पानी भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, तीखा के लिए एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मसालों को चलाते हुए ग्रेवी के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। ग्रेवी को भूनते समय इस तरह टमाटर को भी दबाते हुए मसालों में मैश कर लेंगे, जिससे टमाटर ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाए और ग्रेवी हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो। ये देखिए ग्रेवी हमारा भुन गया है। इस टाइम पे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया डालकर मसालों के साथ धनिया को भी भून लेंगे, जिससे धनिया का फ्लेवर अच्छे से मसालों में आ जाए। एक बार जमीकंद, सूरन या ओल की सब्जी इस तरह से बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। मसाले हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं और मसालों से तेल भी निकलने लगा है। इस टाइम पे हम इसमें फ्राई किए हुए जमीकंद, सूरन या ओल डालेंगे। ओल डालकर मसालों के साथ ओल को भी मिलाते हुए भून लेंगे। ओल को मसालों के साथ चलाते हुए एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ओल को मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लिया है और अब ये दिख रहा है ना पनीर की सब्जी के जैसा। सब्जी हमारा भुन गया है। इस टाइम पे हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडर जार में ही थोड़ा सा पानी डाल करके सब्जी में डालेंगे। पानी डालकर सब्जी को अच्छी तरह मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे ग्रेवी हमारी सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए ग्रेवी के साथ मसाले हमारे अच्छी तरह से मिल गए हैं और इस टाइम पे हम इसे फिर से मिला लेंगे और मसालों का फ्लेवर सब्जी में भी आ गया है। ये देखिए सब्जी में हमारा कितना अच्छा कलर आ गया है, लेकिन सब्जी हमारा अभी पका नहीं है। इस टाइम पे हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे या डालेंगे। पानी डालकर सब्जी को मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में सब्जी में उबाल आने देंगे। ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है। इस टाइम पे हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है। सब्जी को हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारा सूख गया है और सब्जी अच्छी तरह से पक रहा है। इस टाइम पे हम इसे इस तरह दबाते हुए चेक कर लेंगे। ये देखिए ओल हमारा अच्छी तरह से पक गया है और सब्जी सॉफ्ट भी हो गया। इस टाइम पे हम इसमें से तेज पत्ता निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इस टाइम पे हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर सब्जी को एक बार फिर से मिला लेंगे। गरम मसाला मिलाकर सब्जी को हम 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे गरम मसाला का फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए। ओल की सब्जी बनाने के लिए कभी कभी 20 से 25 मिनट भी लग सकता है, ये ओल पे डिपेंड करता है। ये देखिए ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है, सब्जी भी हमारा बन गया है और सब्जी हमारा नॉन वेज की तरह दिख रहा है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने सब्जी को चावल के साथ सर्व किया है। आप इसे पराठा, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं।